हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम जिम में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, कई लोग जिम में फ़र्स्ट टाइम आते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से सेट लगाने हैं और कितने रेपिटेशन लगाने हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात, जो लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स है उसके आपको 3 सेट लेने हैं और जो छोटे मसल्स होते हैं उनके आपको 2 सेट लेने हैं और हर एक सेट में आपको 1 मिनट की रेस्ट लेनी है और 12 रेपिटेशन लगाने हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप एक्सरसाइजेस लगाते हैं। तो इससे हमारी बॉडी खुल जाती है और गर्म हो जाती है, जिसके कारण हमारी इंजरीज के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें हिंदू पुशअप जो ऐड किए हैं, वो मेरा एक फ्रेंड है जो हिंदू पुशअप लगा रहा है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे हिंदू पुशअप इसलिए ऐड किया है बिकॉज़ इससे हमारी बॉडी का फुली वार्म अप हो जाता है, बिकॉज़ इसमें हमारी बॉडी के लेग्स, बैक, चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप और आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी अच्छी तरह वार्म अप हो जाती है। तो इसे आप ऐड कर सकते हैं वार्म अप के लिए। तो दोस्तों वार्म अप ख़त्म होने के बाद ही आपको जो पहली एक्सरसाइज चूज़ करनी है वो है चेस्ट। आपको चेस्ट के 3 सेट लेने हैं बिकॉज ये लार्ज ग्रुप ऑफ मसल है, इसके आपको 3 सेट लेने हैं और कम से कम 12 रेपिटेशन आपको हर एक सेट में निकालने हैं। उसके बाद आपको 1 मिनट की रेस्ट लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही नॉर्मली परफॉर्म किया है, वेट आपको बिल्कुल ही नॉर्मली लेना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सेकंड एक्सरसाइज चूज़ की है वो है पुलअप्स। पुलअप्स के आपको 3 सेट लेने हैं और मिनिमम 12 रेपिटेशन निकालने हैं हर एक सेट में और 1 मिनट की रेस्ट लेनी है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पता है कि हर कोई बंदा पुलअप की एक्सरसाइज नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पुल डाउन की एक्सरसाइज भी रख दी है। और आप इन दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हो और उससे नॉर्मली लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने थर्ड एक्सरसाइज चूज़ किया वो है शोल्डर प्रेस। तो दोस्तों इसके भी आपको 3 सेट लेने हैं और मिनिमम 12 रेपिटेशन निकालने हैं हर एक सेट में और वेट आपको नॉर्मली रखना है। ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने फोर्थ एक्सरसाइज चूज़ किया वो है बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल के आपको 2 सेट लेने हैं बिकॉज ये स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल है, ये छोटा मसल है, इसके आपको 2 सेट लेने हैं और मिनिमम 1 मिनट की रेस्ट लेनी है और इसे आप अच्छी तरह परफॉर्म कीजिए। और जो लास्ट रैप है उसे आप होल्ड करके नीचे लाइए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 5th एक्सरसाइज चूज़ की है वो है ट्राइसेप की क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप के मसल के ऊपर जोर डालेगी, जिससे कि आपका ट्राइसेप का मसल ग्रो होगा। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 सेट लेने हैं और मिनिमम 12 रेपिटेशन निकालने हैं हर एक सेट के अंदर। और यहाँ पे जो आपको पोजीशन रखनी है अपने हाथों की, वो शोल्डर की विड्थ के हिसाब से रखनी है, ना कि ज़्यादा खुली रखनी है और ना ही ज़्यादा अंदर रखनी है। और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ही स्लोली परफॉर्म कीजिए और वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिए। सो गाइस, दिस इज़ द 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने चूज़ की है वो है लेग्स की, जिसका नाम है स्क्वैट। तो गाइस स्क्वैट के आपको 3 सेट लेने हैं और मिनिमम 12 रेपिटेशन निकालने हैं हर एक सेट के अंदर। और दोस्तों आपको वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। यहाँ पर वेट थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मेरे फ्रेंड ने और वेट आपको अपने हिसाब से ही रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी एक्सरसाइजेस के बारे में बता दिया है जो आपको फर्स्ट डे इन जिम में करनी होती है। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही उठाइए, उससे ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज उससे आपको इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको किसी भी तरह के फिटनेस टिप्स, डाइट प्लान और वर्कआउट शेड्यूल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस।